अगर आपने स्टॉकस्टार्ट का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर लिया है, अभी ये सोचते हो इस अकाउंट को किस तरह से ऑनलाइन ही क्लोज किया जाए, तो शुरू में आपको बताता हूँ ये नामुमकिन है, क्योंकि कंपनी ने ऑनलाइन इसका अकाउंट ओपनिंग का तो प्रोसेस रखा था, बट अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड में ही क्लोज करना है, जिसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा एंड थोड़ा कॉस्टली भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो क्लोज अप फॉर्म होता है इसको प्रिंट करना है, फिल करना है, एंड कंपनी का एड्रेस भी इसको कुरियर चार्ज देकर भेजना भी पड़ेगा। सो आज इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा किस तरह से कहां से आपको क्लोजर फॉर्म को मिलेगा, उस क्लोजर फॉर्म को कैसे फिल करना है। अगर फॉर्म फिलिंग में थोड़ा भी मिस्टेक करो तो आपका वो अकाउंट क्लोज का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इन केस में आपका टाइम एंड पैसा दोनों भी बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए बेटर होगा इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा इस स्टॉकस्टार्ट में ऑफलाइन में डीमैट अकाउंट किस तरह से सही तरह से आप क्लोज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू में घंटा है इसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहेगा। सो फ्रेंड, एक स्टॉक्स कट का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लोज करने के लिए जो तरीका आपको मैं बता दूंगा, सिर्फ एक ही तरीका है क्लोज करने के लिए, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट प्रोसेस नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको क्रोम से आपको स्टॉक्स कट क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करना है, इसलिए ब्राउजर में सर्च करना है गूगल में स्टॉक्स कट क्लोजर फॉर्म, तो फास्ट वाला एक पीडीएफ आ जाएगा, सिंपली इस पीडीएफ को प्रिंट करना है। सो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ इस स्टॉक्स का क्लोजर फॉर्म का पीडीएफ को मैं ओपन कर लिया था, आपको समझा दूंगा किस तरह से आपको क्लोजर फॉर्म को सही से फिल करना है। तो सबसे पहले देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर, आपको कुछ भी एप्लीकेशन नंबर लिखना नहीं है। राइट साइड में देखो डेट, जिस डेट में आप इस फॉर्म को आप फिल करोगे उसी डेट को आप डी डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट में यहाँ पे पुट कर दीजिए या लिख दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी इसको ऑनलाइन नहीं करना, इसको प्रिंट निकालना है, मैं आपको समझाने के लिए आपको पीडीएफ में बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जगह ऑप्शन है क्लोजर इनिशिएट बाय, तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है बी ओ, सिंपली बी ओ इस सामने एक टिक लगा देना है, ठीक है, मतलब बी ओ से आपका अकाउंट क्लोज करना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखो कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहते हो, आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग बोथ अकाउंट ही क्लोज करना है, इसलिए थर्ड जो ऑप्शन है प्लीज क्लोज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोथ, इस साइड में आपको एक टिक कर देना है। उसका नीचे आपका अकाउंट होल्डर का डिटेल्स आपको एंटर करना है, जहाँ पे फॉर्म में ही आपका डीपीआईडी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, आपका क्लाइंट आईडी को यहाँ पे पुट करना है जो कि आपका ऐप का अंदर ही मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है क्लाइंट आईडी कैसे फाइंड करे तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टॉक्स कार्ड में मेल या फिर कॉल करके पूछ सकते हो आपका क्लाइंट आईडी क्या है, जो नंबर एंड ईमेल आईडी मैं डिस्प्ले दे दूंगा। उसका नीचे देखो ट्रेडिंग कोड भी है, तो आपको ट्रेडिंग कोड भी यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद देखो नेम ऑफ द फर्स्ट या फिर सोल होल्डर, ठीक है, उसके बाद जो नाम से अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ था उसी नाम को यहाँ पे कैपिटल में एंटर करना है, लिख देना है। उससे पहले बता दो यहाँ पे जो भी फॉर्म को फिल करोगे सब कुछ आपको कैपिटल में ही लिखना होगा। उसके बाद अगर आपका अकाउंट का सेकेंड एंड थर्ड होल्डर होगा तो आप वहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में आप पुट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, तो एड्रेस आपको इस बॉक्स में लिखना है, कौन सा एड्रेस देना होगा, जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है, क्योंकि आप आधार कार्ड को साइन करके अकाउंट क्लोज किया था, तो आधार कार्ड के जो एड्रेस है उस एड्रेस को भी फिल करना है। साथ ही दोस्तों अलग से आपका यहाँ पे सिटी का नाम, यहाँ पे स्टेट का नाम एंड यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन पे मिल जाएगा, ये ऑप्शन सबके लिए नहीं है, जिसका डीमैट अकाउंट में कोई फंड में बैलेंस है सिर्फ उसके लिए ही, ठीक है। देखो डिटेल्स ऑफ रिमेनिंग सिक्योरिटी बैलेंस इन द डीमैट अकाउंट इफ एनी, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है या फिर कोई भी फंड बैलेंस है तो आप इस पर फिल कर सकते हो। कैसे करोगे वो आपको बता देता हूँ, उससे पहले एक रीजन बताना होगा कौन सा रीजन में आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हो। देखो रीजन फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, तो वन सेंटेंस में यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा रीजन में आप अकाउंट क्लोज कर सकते हो, ठीक है, वो आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखो बैलेंस रिमेनिंग इन द डीमैट अकाउंट इफ एनी, अगर आपका कोई बैलेंस पॉजिटिव है, ठीक है,
ठीक है, मान के चलो कोई फंड में बैलेंस पॉजिटिव है, वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए कितना बैलेंस पॉजिटिव है। आप चाहो तो उस पैसा को बैंक में विड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो वो अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो अकाउंट क्लोज करने से पहले वो पॉजिटिव बैलेंस को आपका बैंक में कंपनी भेज देंगे। अगर आपका बैलेंस फंड में नेगेटिव बैलेंस है तो आपको फंड ऐड करके उसको पॉजिटिव करना होगा। देन फ्रेंड एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। इसका मीन्स है अगर आपका स्टॉक्स का डीमैट अकाउंट में कोई भी होल्डिंग है, कोई भी शेयर है, अगर आप चाहते हो उस होल्डिंग को, उस शेयर को, उस सिक्योरिटीज को कोई अनदर डीमैट में ट्रांसफर करना, तो इन केस में उसी दूसरा डीमैट का DPID अभी फिल करना है, उसी दूसरा डीमैट का क्लाइंट आईडी इसको फिल यहाँ पे फिल कर देना है। क्या होगा, स्टॉक्स कार्ड वालों ने आपका उस सिक्योरिटीज को इस अनदर डीमैट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ज़्यादातर केस में यहाँ पे नहीं होता है, तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कर सकते हो, एक डीमैट से अनदर डीमैट में किस तरह से शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बट इतना ही दोस्तों, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो उसका भी आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपका नेम लिखना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर लिखना है। अगर आपका डीमैट के साथ कोई सेकेंड एंड थर्ड होल्डर भी है, उसका भी नाम ऊपर में, सिग्नेचर नीचे, नाम सिग्नेचर करना है। तो इस प्रकार में आपका कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद नीचे एक मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके लिए नहीं है, आप इसको ब्लैंक ही इसको छोड़ देना है, कूड़ा कर देना है। तो जो कंपनी का एम्प्लॉय आपको ये फॉर्म को वेरीफाई करेगा, आपका अकाउंट क्लोज करेगा, ये काम उसके लिए, वो इसको फिल कर देंगे। ठीक है, बट इस तरह से आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना है एंड इस तरह से फिल करना है। उसके बाद स्टॉक्स कार्ड का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे कुरियर करना है। आप कौन सा एड्रेस में आपको कुरियर करना है, वो एड्रेस आपको डिस्प्ले दे दूंगा, उसी एड्रेस में आपको कुरियर करना है। उसके बाद जब कंपनी के पास ये फॉर्म चल जाएगा, उसके बाद आपको 7 से 10 वर्किंग डेज वेट करना है आपका अकाउंट क्लोज होने तक, जिसका कंफर्मेशन मेल आपका रजिस्टर्ड मेल में रिसीव भी हो जाएगा। सो फ्रेंड, स्टॉक्स कार्ड अलावा कोई अदर्स ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो हमारा चैनल का एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लोज डीमैट अकाउंट, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे भी अगर आपका वीडियो नहीं मिला तो जरूर कॉमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।